कृपया ध्यान दीजिए। 2229 मुंबई मरगांव वंदे भारत 5:25 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 15 से रवाना होगी। वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आपका मेरे नए नवेले ताज़ा तरीन वीडियो में। तो जी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर और हूँ बहुत ज़्यादा उत्साहित क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी सोलो गोवा ट्रिप पर, वो भी भारत की सबसे फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से। वैसे जब से ये ट्रेन लॉन्च हुई थी तब से ही मेरा प्लान था कि वंदे भारत से ज़रूर ट्रैवल करना है। गॉट इट? वंदे ए ए नहीं। तो इस जर्नी का कंप्लीट एक्सपीरियंस विस्तार से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, पर पहले चलते हैं अत्याधुनिक ट्रेन के अंदर और देखते हैं कि भाई ऐसा भी क्या बना दिया है। बात करें सीट्स की तो मैंने बुक किया था एग्जीक्यूटिव क्लास जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है 2x2, मतलब दोनों साइड्स दो दो बड़ी सी सीट लगी होती है। इस ट्रेन में एक और एसी चेयर कार वाला भी कोच होता है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। तो अपनी सीट पर बैठने के बाद मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं सीधा बैठ ही नहीं रहा था, आसपास क्या क्या है मुझे सब तुरंत ही देखना था। तो बैठने के तुरंत बाद ही सबसे पहले तो मुझे दिया गया एक नव भारत टाइम्स का न्यूज़पेपर। हालांकि मेरे पास वाली सीट पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया भी रखा हुआ था, वो बात अलग है कि पढ़ा मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं। उसके बाद जो हुआ वो देखकर तो ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। इज्जतें मिल रही थी भाई, इज्जतें। मैंने सोचा इतना खर्चा कर ही दिए थे तो 3-4 एयर होस्टेस भी रख ही लेते मालिक। तो बात करते हैं ट्रेन के दूसरे फीचर्स की। तो यहाँ हर सीट के नीचे 2 चार्जिंग पॉइंट और एक बॉटल होल्डर लगा रखा है और लेग रूम तो इतना है कि मुंबई में इसको 1RK के नाम से बेच दिया जाए। और इसके अतिरिक्त हमारी सीट के आर्म रेस्ट के नीचे दिया गया है एक फोल्डेबल टेबल जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह खुलते हुए हमारे सामने आ जाता है। तो ट्रेन को चले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि मैं देखता हूँ कि एक भाई ट्रॉली में कुछ रख कर ला रहा है और लोग उसको ऐसे इग्नोर करने का प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे घर आया रिलेटिव नाश्ता आता देखकर इग्नोर करने का नाटक करता है। तो हमारे लिए लाई गई थी चाय और बिस्किट, बट ये वो प्रीमिक्स वाली चाय थी जो ठीक ठाक ही थी, अपनी नॉर्मल चाय पत्ती दूध अदरक वाली चाय से कंपेयर नहीं कर सकते। मन तो मेरा बड़ा कर रहा था कि बिस्किट को बिल्कुल चाय में डुबो के खाया जाए, बट द फियर ऑफ जजमेंट स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग इट। महंगी जगहों पर आने के बाद बिस्किट को बिस्कुट बोलने वाले भी सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, नहीं? तो हमारी ट्रेन चली थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 5:25 पर। तो तब तो काफी अंधेरा था, बट थोड़ी ही देर में उजाला होने लगा और इतनी बड़ी विंडो से बाहर के नजारे देखने में मजे ही आ गए। पर जब मैं पलटकर ट्रेन में देखता हूँ तो ज़्यादातर जनता सो चुकी थी। उनको देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि भाई जीवन में मज़े करने के लिए इतना भी वेट मत करो कि मज़े करने के लायक ही ना रह जाओ। तो खैर दिस इज़ द पॉसिबली द बेस्ट टाइम टू ट्रेवल विद दिस ट्रेन स्पेशली ऑन दिस पर्टिकुलर रूट बिकॉज मानसून जस्ट अपने एंड पर है। सो द व्यूज दैट वी आर गोना गेट टू सी इन दिस जर्नी आर गोइंग टू बी अमेजिंग। सारे वाटरफॉल्स एक्टिव हो गए, सारी ग्रीनरी अपने पीक पर होगी और हम ये सारे ब्यूटीफुल नज़ारे देखेंगे इस बड़ी सी विंडो से, वो भी बिल्कुल बाहर की तरफ फेस करके। तो हमारी मुंबई टू गोवा जर्नी वंदे भारत से होने वाली है कुछ 10 घंटे की। नॉर्मली ट्रेन से 11.5, 12 या 14 घंटे भी लगते हैं। और अगर टिकट फेयर की बात करें तो इस ट्रेन में 2 प्रकार के कोचेज हैं, एक तो ये जिसमें हम जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कोच, इसका टिकट इंक्लूडिंग मील्स मुझे पड़ा है 3,395 रुपीज़ का। और जो दूसरा कोच है विच इज एसी चेयर कार, वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से स्लाइटली डिफरेंट है। वहाँ 3x2 मतलब एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2 सीटें लगा रखी है और वो सीटें एग्जीक्यूटिव कोच की सीट्स की तरह विंडो की तरफ रोटेट नहीं होती। सो एनीवे इस कोच का टिकट है 1,815 रुपीज़। सो इफ वी कंपेयर विद रेगुलर ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू गोवा, सो ये ट्रेन टेक्स हार्डली 1 से 2 बार लेसर टाइम टू रीच गोवा। और टिकट प्राइस को कंपेयर करें तो वी हैव टू पे ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ रेगुलर ट्रेन, बट एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। कौन सा रोज़ उठ के वंदे भारत में ट्रैवल करना है? इतनी बढ़िया ट्रेन अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो उसमें एक बार ट्रैवल करना तो बनता है ना। तो फिर अराउंड 7 बजे एक और ट्रॉली आती है जिसमें आता है हमारा ब्रेकफास्ट।
और ब्रेकफास्ट होता है कुछ इस प्रकार से। मैंने अपने लिए नॉनवेज मील का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो मेरे ब्रेकफास्ट में आता है ऑमलेट, ब्रेड, बटर, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, एक ब्रिटानिया का केक, दो बनाना, एक वेजिटेबल कटलेट और एक ट्रॉपिकाना का जूस। और साथ ही में ये सैनिटाइजर और वेट वाइप भी मिलता है, ये नहीं खाना होता है, ठीक है। तो बहुत देर तक जब किसी ने अपनी सीट विंडो की तरफ रोटेट नहीं की, तो बड़े ऑकवर्डली मैं ही अपनी सीट विंडो की तरफ घुमाकर बैठ गया। सो एज अ यूट्यूबर, डूइंग ऑकवर्ड थिंग इन पब्लिक इज पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन नाउ, तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना। वो बात अलग है कि मेरे सीट घुमाने के बाद और काफी लोगों ने अपनी सीट विंडो की तरफ रोटेट की थी। तो ये रोटेटिंग सीट्स का थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि अगर आपके आगे वाले बंदे ने अपनी सीट रिक्लाइन नहीं कर रखी होगी तो ही आप अपनी सीट घुमा पाओगे, अदरवाइज वो आगे की सीट से कोलाइड होगी। और दूसरा, जो बंदा आपके पीछे की सीट पर बैठा है, आप बिल्कुल उसके सामने ऑकवर्डली सीट घुमा कर बैठे होगे। बट भाई की किस्मत अलग थी ना, मेरे आगे की सीट किसी ने रिक्लाइन कर रखी थी और मेरी पीछे वाली सीट पर तो कोई था ही नहीं, तो बड़े आराम से पूरे रास्ते में अपनी सीट विंडो की तरफ रोटेट करके नज़ारे देखते हुए जा रहा था। और तभी हमारी खिदमत में पेश किया जाता है एक प्री मिक्स वाला सूप। और सूप खत्म करके मैंने अपना ट्रांसफॉर्मर वाला टेबल अंदर रखा ही था कि आ गया हमारा लंच। अभी अराउंड 1 बज रहे थे और मडगांव पहुंचने में अभी भी 2.5 घंटे का टाइम बाकी था। और मुझे लंच में सर्व किया गया था एक चिकन करी, आलू की सब्जी, दाल, 2 रसगुल्ले, 1 बॉक्स दही, राइस और 4 चपाती और अचार एक्सेट्रा। एंड एवरीथिंग वॉज क्वाइट नाइस। मैं ज़्यादा स्पाइसी या मसाले वाला खाना प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इट वॉज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। और थोड़ी ही देर में कोकोनट ट्रीज और फिशिंग बोट्स दिखाई देने लगी, मतलब गोवा प्रदेश में हमारा आगमन हो चुका था। सो मित्रों, ये था हमारा वीडियो फ्रॉम मुंबई टू मडगांव बाय वंदे भारत ट्रेन। आई हम लोग सरकार को बिल्कुल दिल खोल के गालियां तो हर रोज देते ही है, बट जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ तो देना बनता है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेन बनाई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जितनी भी ट्रेन हमारी लेट चल रही है और वहाँ जो सर्विसेज नहीं है उन सबका कंपनसेशन ये इसी एक ट्रेन में करवा दिया है। बट जो भी हो, बढ़िया ट्रेन है, एक बार ट्रेवल करना तो बिल्कुल बनता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये देने की, अब हमारा एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी है आयुष साखरे फिल्म नाम से। जो शॉर्ट्स हमारे मेन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो सारे के सारे BTS और मिनी ब्लॉग के तौर पर हम अपलोड करेंगे अपने इंस्टाग्राम पेज पर। सो प्लीज डू फॉलो दैट पेज। और ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।